तो अब भाई लोग कैसे यार, तो कैसे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फिक्स योर पिंग प्रॉब्लम इन YMC। लाइक जैसे मैंने अपना फिक्स कर लिया, तो कैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना फिक्स कर लो यार प्रॉब्लम। एंड तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे फिक्स करना है इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले गाइस देखो, जैसे आपको दिखाता हूँ डिफरेंस, ठीक है। तो मैं गाइस नॉर्मली खेलता हूँ अपने वाईफाई से, ठीक है। तो अभी जो मेरा वाईफाई है, हाँ, उससे मैं खेलता था, उसके कारण गाइस मेरा पिंग बिल्कुल भी बेकार आ रहा है। भले ही मेरी वाईफाई की स्पीड गाइस कितनी भी तेज हो, पिंग बेकार ही आ रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि गाइस मेरे पास एक एयरटेल का सिम था, एंड गाइस अगर आप जियो का वाईफाई यूज़ करते हो तो आपको एयरटेल का सिम यूज़ करना है YMC खेलने के लिए। एंड गाइस ये एयरटेल का सिम मेरे मोबाइल पर लगा हुआ था, तो मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। एंड फिर मैं गेम खेलता हूँ, तो गाइस इससे फिर मेरा गेम में अच्छा पिंग आ रहा है YMC के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड ये सो गाइस मेरे घर में पूजा चल रही थी, तो इसीलिए गाइस बैकग्राउंड में आपको घंटी की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उस साउंड को इग्नोर करना, या आप उसे सुन भी सकते हो अगर आपको अच्छी लग रही है तो। साउंड कैसे हुआ गाइस, आपको बस क्या करना है, अपना इंटरनेट को चेंज कर लेना है बस, एंड कुछ नहीं है। एंड ऑल्सो मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊँगा, वो आप कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा आपके मतलब गेम प्ले के लिए, तो इससे पिंग और अच्छा आएगा। तो आप मतलब गाइस सर्वर में जितना अच्छा पिंग होता है उतना अच्छा आपका वो हो जाता है आपका एक्सपीरियंस। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना पिंग कैसे अच्छा करना है सर्वर के अंदर। तो पहली बात तो आपको अपना वाईफाई नेटवर्क चेंज कर लेना है, बिल्कुल चेंज कर लेना है। अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हैं तो आपको एयरटेल का सिम का यूज़ करना है, एंड अगर आप एयरटेल का करते हो तो आपको जियो का करना है। एंड अगर आप वाईफाई का यूज़ करते हो तो आप एंड अगर आप वाईफाई का यूज़ करते हो लाइक आप जियो का वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो आपको एयरटेल का ही सिम लेना है, ठीक है। मैं जैसा मैंने आपको बताया आपको सिम वैसे ही करना है, सिम के साथ भी और वाईफाई के साथ भी। तो अब हमारा गेम लॉन्च हो गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ YMC में लॉगिन करके कि मेरा पिंग कैसा आ रहा है। एंड फिर मैं आपको कुछ सेटिंग्स भी बताने वाला हूँ PC की, तो उससे आपका नेटवर्क की स्पीड और बढ़ जाएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सर्वर के अंदर, एंड आप देख सकते हैं मेरा पिंग कितना बढ़िया आ रहा है, लिटरली गाइस नो लैग। आप देख सकते हैं 0 MS व्हाट द फक, नहीं गाइस सही चल रहा है। बस वहाँ पे गाइस ग्लिच हो रहा है अभी, वो उसे रेंडर नहीं ले पा रहा है। बाकी आपको अपना पिंग दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मक्खन, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको गाइस आपको देख के। ये मैं कहाँ पे हूँ भाई, तो गाइस यहाँ से निकलते हैं। हमारे पास कुछ इतने 3 ज़ॉम्बी स्पॉनर्स पड़े हुए हैं, एंड ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा पिंग बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, बिल्कुल मक्खन। तो हम यहाँ से RTP करते हैं एक बार, एंड ये देख सकते हैं गाइस कितना बढ़िया पिंग आ रहा है। एंड मैं आपको कुछ ब्लॉक्स तोड़ के भी दिखाता हूँ। हल्का हल्का गाइस हल्का हल्का भी मतलब लैग है हल्का हल्का, क्योंकि गाइस वो सर्वर का दिक्कत है। बाकी तो आप देख सकते हैं सब कुछ ईजिली खुल रहा है, ये देख सकते हैं सब कुछ मक्खन टूट रहा है, देख सकते हैं ब्लॉक्स भी गिर रहे हैं अब तो। एंड चैट में आपको दिखा देता हूँ कितनी स्पीड है चैट की, ये देख सकते हैं गाइस तुरंत। तो बस यार यही थी पिंग ठीक करने वाली वीडियो, बस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या सेटिंग्स करनी है। एंड अगर गाइस ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, इससे आपका प्रॉब्लम फिक्स हो गया हो, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा देना। मैं कभी नहीं बोलता हूँ बट मैं आज बोल रहा हूँ यार भाई, बहुत बड़ी चीज़ यार भाई, ग्लिच बहुत बेकार है भाई, इसके कारण बंदे खेल नहीं पा रहे लिटरली। एंड गाइस वो आपकी फिक्स हो जाएगी तो आप खेल भी पाओगे, एंड आपको आप गेम के मज़े भी ले पाओगे। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जितने बंदे का 0 MS 1 MS 2 MS आ रहा है ना सर्वर के अंदर, आप देख सकते हैं मेरा 200 MS मतलब मेरा 148 MS चल रहा है बेस्ट पिंग। एंड जितने भी लोग का ये 1 MS 2 MS आ रहा है गाइस, सबके साथ वही ग्लिच है, सबके साथ वही ग्लिच है। जितने भी लोग का ये 1-0 पिंग आ रहा है, ठीक है। एंड जितने भी लोग का गाइस पिंग नॉर्मल आ रहा है उन सबका पिंग बढ़िया है, जितने भी लोग का 0-1-2 चल रहा है बेकार पिंग है उनके साथ सेम ग्लिच हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स क्या करनी है आपको। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको चले जाना अपने कंट्रोल पैनल पे, एंड आपको यार इस कंट्रोल पैनल में जाते हैं, आपको पहले इसे इस तरीके से कर लेना है, आपको चेंज करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर कुछ लोग में ये ऐसे रहेगा तो आपको जाके सिंपली फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, आपके इंटरनेट वाले में चले जाना है। एंड देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अब तक वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो लिखा रहेगा, आपको उसमें डबल क्लिक कर देना है। एंड आपका ये ऐसे रहेगा, आपको इसमें क्लिक करना है ना गाइस, आपको यहाँ पे नंबर लिखना है 8888 गाइस, नीचे 8884 लिखना है। तो गाइस आपको इतना करने के बाद बस आपको इसको ओके दबा देना है, एंड डन, आपकी पूरी सेटिंग्स हो चुकी हैं। एंड अब आप भी YMC के अंदर मजे ले पाओगे, अच्छे पिंग में खेल पाओगे। तो यार बस यार आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई गेमिंग एपिसोड में। अगर गाइस ये आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो गाइस, मैं इसका म्यूजिक बंद कर देता हूँ। तो गाइस अगर आप ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई गेमिंग एपिसोड में, मतलब गेमिंग एपिसोड तो नहीं था ये। चलो गाइस बाय बाय।